महिला कोच के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह की छेड़छाड़ का मामला हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार अपने मंत्री को पाक साफ जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही मामलों में बीजेपी के लिए मामला एक दोधारी तलवार बन गई है। बीजेपी सरकार दो पार्टों के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी सरकार अपने मंत्री को पाक साफ दिखाती है तो जनता में यह संदेश जाएगा कि अपने मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी सरकार ने हर हथकंडा अपनाने का काम किया, और अगर बीजेपी सरकार अपने मंत्री को जांच में फंसने पर बलि का बकरा बनाती है तो संदेश जाएगा कि बीजेपी सरकार में अनैतिक काम हो रहे हैं, उसके मंत्री गलत काम कर रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई के अनुसार बीजेपी की सरकार अपने मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। कानूनी मामलों को देखने वाले एजी ऑफिस के बड़े अधिकारियों को संदीप सिंह की पैरवी के लिए लगाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ संदीप सिंह के मामले की फाइलों को खंगाला जा रहा है और शिकायत के लूपहोलों को खोजा जा रहा है। आखिर बीजेपी की सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रबंध करने के दावे करते हैं, लेकिन संदीप सिंह के मामले में बिल्कुल उलट हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने मंत्री के बचाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सीमा को लांघने का काम किया। उन्होंने अपने मंत्री के बचाव में कहा कि अभी आरोप लगे हैं और आरोप लगने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोप लगने के बाद जब हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है, शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसे में मंत्री संदीप सिंह को सारी छूट क्यों दी जा रही है? उनके खिलाफ ही नैतिकता का आवरण क्यों अपनाया जा रहा है? आखिर क्यों इस मामले में यह संदेश नहीं दे रही है सरकार कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और मामले की निष्पक्ष जाँच होगी? बीजेपी की सरकार साफ तौर पर अपने मंत्री को बचाने का काम कर रही है। अगर संदीप सिंह इस मामले में निष्पक्ष हैं, पाक साफ हैं, तो सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए और चंडीगढ़ प्रशासन को अपनी इच्छा से अपनी ताकत के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने देनी चाहिए। जब आप दोषी नहीं हैं, जब आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आखिर क्यों संदीप सिंह को डिप्टी डायरेक्टर के जरिए सफाई देनी पड़ी, महिला कोच को सवालों के घेरे में लेना पड़ा? सारे के सारे मामले में नजर आ रहा है कहीं न कहीं संदीप सिंह इस मामले में प्रेशर में हैं और इस मामले को दबाना चाहते हैं। अपने मंत्री को बचाने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार भी पूरी ताकत लगा रही है, हर हथकंडा अपना रही है और अपने मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसा करने से कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार के प्रति जनता में नेगेटिव मैसेज जा रहा है। जनता में ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री अपने मंत्री के खिलाफ खुली और साफ जांच करने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, कोई दाग नहीं लगा है और वे पक्षपात रहित सरकार चलाते नजर आए हैं, लेकिन संदीप सिंह के मामले में पहली बार खुद मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री को साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि जब तक मंत्री पाक साफ नहीं साबित होते तब तक वे सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। कहने को खेल मंत्रालय का कामकाज तो उनसे वापस ले लिया गया, लेकिन प्रिंटिंग का कामकाज उनके पास अभी भी है, यानी दिखावे के तौर पर उनसे खेल मंत्रालय का कामकाज वापस लिया गया। अगर मंत्री को पूरे तौर पर सरकार अलग करना चाहती थी तो उनसे दूसरा मंत्रालय भी वापस लिया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया। आखिर इस मेहरबानी की क्या वजह है? अगर मंत्री पाक साफ हैं, अगर मंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया है तो सरकार को उनके खिलाफ बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और जांच के बाद मंत्री जब पाक साफ निकलेंगे, जब उनके खिलाफ कुछ भी दोष साबित नहीं होगा तो उन्हें दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। समय का तकाजा तो यही था, इंसाफ की जरूरत भी यही थी और मांग भी यही थी, लेकिन ऐसा करने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है और इसके विपरीत अपने मंत्री को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है। मंत्री को लेकर बीजेपी की सरकार की नेगेटिव छवि जनता में बनी है और इसे बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार इस मामले में लिपापोती के प्रयास कर रहे हैं। बेटियों के मामले में सजग रहने वाली हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और खेल मंत्री के खिलाफ खुली जांच करनी चाहिए थी, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी।
अगर ऐसा किया जाता तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की छवि और भी बेहतर बनती और बीजेपी सरकार के बारे में ये मैसेज जाता कि वे बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने में, निष्पक्ष कार्रवाई करने में नहीं हिचकते हैं। संदीप सिंह के मामले की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।